दोस्तों, टॉलविन लाइफ के रिगार्डिंग एक क्वेरी जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है कि सर, टॉलविन लाइफ में मैंने तो यहाँ पर ज्वाइनिंग भी कर लिया, आईडी को एक्टिवेट भी कर लिया, बट अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट क्या करना है? अब यहाँ से हम इनकम कैसे करेंगे, टीम कैसे बनाएंगे और कैसे हम यहाँ पर टॉलविन लाइफ में काम करके पैसा कमा सकते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनाया गया है। जो लोग टॉलविन लाइफ को अभी भी स्टार्ट किए हैं, अभी भी ज्वाइन किए हैं और उसको ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ये पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया गया है। तो अगर आपके मन में इस टाइप के सवाल होंगे और आपने भी अगर अभी लेटेस्ट अभी भी टॉलविन लाइफ को ज्वाइन किया है, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि आप यहां पर कैसे काम कर सकते हैं और अब आपको आगे करना क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट आपको यहां पर टॉलविन लाइफ की रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप इनकम कर सकते हैं, और अगर आप काम नहीं भी करना चाहते तो भी आप इनकम कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो में पूरा डिटेल में और बारीकी से आपको समझाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉलविन लाइफ में यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है ये $30 से होता है, ठीक है। ये $30 अगर इसको INR में कहेंगे तो ये 2400 रुपये के आसपास होता है, कई बार ये 2500 रुपये में भी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2400 रुपये मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कन्फर्म होगी। 2400 रुपया आपने चाहे तो अपने अपलाइन को दिया या फिर आप खुद ही सिस्टम से USDT बाय किए और एड फंड में जाकर एड फंड किए और अपना ID को एक्टिवेट किए, अब आपकी इंट्री जो है सो यहाँ पर आपकी टॉलविन लाइफ में हो चुकी है। मैं इंट्री होने के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके माइंड में आता है कि अब मुझे यहाँ पर काम क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉलविन लाइफ में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है वर्किंग इनकम। आप यहाँ पर टॉलविन लाइफ में वर्क करके टीम बना के जो है आप यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। जितना बड़ा टीम रहेगा उतना ज़्यादा इनकम रहेगी। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन वर्किंग, इसको कह सकते हैं ऑटो पुल, ठीक है। ऑटो पुल आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है सो फेमस हो गया है, जब से पर्ल वाइन चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों टाइप के बारे में अलग अलग यहाँ पर बताएंगे कि दोनों चीज़ें कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग इनकम में। अगर आप यहाँ पर वर्किंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ टीम बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा टीम बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वर्किंग सिस्टम में काम करके टीम बना के आप जो सो यहाँ पर डेली का $1000 तक कमा सकते हैं। $1000 मतलब कि लाखों रुपये डेली का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टॉलविन लैब से। इसके साथ साथ आपको जो टीम है सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है। एक बार टीम बनाने में आपको जितना मेहनत करना पड़े, एक बार अगर आप टीम बन गया तो ये टीम आपको जो है सो काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार आपका टीम बन गया, चाहे आपका टीम आपका 10 का हो या फिर 10,000 का भी हो या फिर 10 लाख का भी हो, जितना भी टीम बन गया, हर एक टीम से आपको जो है सो यहाँ पर $1000 लाखों डॉलर आपको ऑटोमेटिक आएगा पर डे के बेसिस पर। इसके अलावा भी के इनकम है जो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं। सबसे पहला है तो आपका डायरेक्ट रेफरल, इसके बाद लेबल इनकम, इसके बाद प्रमोशन बोनस है, टीम परफॉर्मेंस बोनस है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका टीम बन गया तो आपको मंथली बेसिस पर आपको सैलरी भी मिलता है। जितना ज़्यादा टीम में आपका काम होगा उतना ही ज़्यादा आपको सैलरी के रूप में मिलता है। इसके बाद जो है सो आपका यहाँ पर बूस्टिंग बोर्ड है। इस तरीके से देख सकते हैं लगभग लगभग 5 तरीके की इनकम है जो आप सिर्फ यहाँ पर वर्किंग करके कर सकते हैं, काम करके कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सवाल होता है नॉन वर्किंग या फिर इसको ऑटो पुल इनकम कहिए। तो नॉन वर्किंग और ऑटो पुल इनकम को हम यहाँ पर बारीकी से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग का जो रैंक होता है, ये आपका रैंक होता है ओपल। ओपल में $30 से आप यहाँ पर लेकर एंट्री लेते हैं तो आपका रैंक हो जाता है ओपल। $30 मतलब कि यहाँ पर 2400 रुपये से अगर एंट्री होता है आपका तो यहाँ पर जो रैंक मिलता है, इसके बदले आपको टोटल जो ओपल से मिलता है ये मिलता है आपको $1534, ठीक है। ये आपको टोटल ऑटो पुल मिलता है, ये नॉन वर्किंग मिलता है। इसके लिए आपको कोई टीम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका ID एक्टिवेट रहेगा और फर्स्ट रैंक जो है वो ओपल रैंक अचीव रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर 1534 अगर INR में कहेंगे तो ये INR में होता है 1,22,760 रुपये, ये होता है आपका INR में टोटल इनकम, ये ऑटो पुल का। ये मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट रैंक का, लेकिन ये जो आपको इनकम मिलता है ये आपको एक बार में नहीं मिलता, ये आपको इनकम मिलता है 10 इंस्टॉलमेंट मिलता है, 10 बार मिलता है, अलग अलग लेवल का इंस्टॉलमेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो आपको ओपल का ऑटो पुल मिलेगा 1,22,760 रुपये, इसके विड्रॉ के लिए एक छोटा सा टर्म कंडीशन है जो लगभग लगभग सारे ऑटो पुल का जो सिस्टम होता है वो सारे ऑटो पुल सिस्टम होता है। किसी में आपको 4 डायरेक्ट करके नेक्स्ट लेवल करना होता है, किसी में 6 डायरेक्ट, किसी में 3 डायरेक्ट, लेकिन आपको यहाँ पर टॉलविन लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा कंडीशन ये है कि आपको 2 डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिंक से जो है आपका जो रेफरल लिंक रहेगा उस रेफरल लिंक से 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होता है वो होता है जेस्पर का, ठीक है। नेक्स्ट रैंक होता है जेस्पर का जिसका प्राइस है $60।
तो ये आपको दो डायट कंपलसरी आपको करना होगा और नेक्स्ट रैंक जो जेस्पर से वो अपग्रेड करना होगा। दोनों टर्म कंडीशन अगर पूरा कर देंगे तो ये जो आपको ऑटोपुट में मिला हुआ है 122,760 रुपये, इसको आप विदड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं, सारा कुछ आप ले सकते हैं। और जब तक ये आप दोनों टर्म कंडीशन आप पूरा नहीं करेंगे तब तक ये जो आपका इनकम मिला है ऑटोपुल, चाहे आपका फर्स्ट लेवल का मिला हो या फिर फिफ्थ लेवल का या टेंथ लेवल का, जो भी ऑटोपुल आपको मिला है वो आपका होल्ड वॉलेट में रहेगा और ये तब तक होल्ड वॉलेट में रहेगा जब तक कि अपना नेक्स्ट रैंक को अपग्रेड नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दोस्तों ओपल में जो ऑटोपुल मिलता है किस लेवल में कितना मिलता है इसको समझने के लिए यहाँ पर चार्ट में देखेंगे। ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट मिलता है 1 से लेकर 10 इंस्टॉलमेंट तक है टोटल। और यहाँ पर जो ये ओपल का रैंक है, ये ओपल का रैंक समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से लेकर 10 लेवल मिलता है, पहला लेवल मिलता है वो आपको मिलता है $1.5, जो अगर INR में कहेंगे तो ₹120 होता है। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट आएगा ये आपका आएगा $3, जो INR में कहेंगे इंडियन रुपीस में तो ₹240 होते हैं। तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है सो $6 का आता है, जो अगर रुपया में कहेंगे ₹480 हो रहेगा। तो इसी तरीके से देखेंगे आपका नौवां इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो $384 का होता है, जो अगर रुपये में कहेंगे तो ₹30,720 होते हैं। इसके बाद जो दसवां सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको $768, जो अगर अब INR में कहेंगे तो ₹61,440 होते हैं। तो टोटल अगर आप इंक्लूड करेंगे तो टोटल इंक्लूड करने के बाद ये अमाउंट आपका आता है, जो डॉलर में कहेंगे तो $1,534 होते हैं और अगर INR में कहेंगे तो ₹1,22,760। तो ये 10 इंस्टॉलमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ओपल का ऑटो पुलाना बंद हो जाएगा, तब आपको इसको लेने के लिए आपको जेस्पर करना होगा। जेस्पर में सेम कंडीशन इसी तरीके से है, जो आपको ये इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट मिलता है, टोटल जो है 6,138 मिलता है। तो इसी तरीके से सारा रैंक का जो है यहाँ पर ऑटोपुल मिलता है, सारा रैंक कैलकुलेट कर कितना ऑटोपुल मिलता है यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये जो ऑटोपुल मिलता है 10 इंस्टॉलमेंट में 1, 2, 3, 4, 5 करके, ये इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने कितने दिनों बाद इंस्टॉलमेंट मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर ऑटोपुल का सिस्टम होता है पहले आओ और पहले पाओ। जो सबसे पहले अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा उसको ऑटोपुल सबसे पहले मिलेगा। लेकिन अभी सिस्टम को स्टार्ट हुए 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक का जो ऑटोपुल सिस्टम है 1 महीना में कई बार 2-2 ऑटोपुल मिल जाता है, या फिर नॉर्मली जो ऑटोपुल मिलता है ये आपको 24 से लेकर 28 दिन के अंदर जो है सो आपको ऑटोपुल मिल जाता है 1 इंस्टॉलमेंट, चाहे आपका कोई भी रैंक हो। अगर आपका ओपल है तो ओपल का मिलेगा, जेस्पर है जेस्पर का मिलेगा, हेजोनाइट हेजोनाइट का मिलेगा। अगर आपका सारा रैंक अपग्रेड है तो सारा रैंक का आपको इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अभी तक का ऑटोपुल मिल रहा है, जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकें। इस तरीके से लोगों का ऑटोपुल मिल रहा है, मेरा भी मिला हुआ है और अगर आप ज्वाइन करेंगे आपका भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपको भी पता है, अगर आपने इससे पहले कोई ऑटोपुल का प्लान किया होगा तो आपको भी पता होगा कि ये टाइम ड्यूरेशन जो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्राउड बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आईडी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे ये टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अभी 24 दिन है, कल रख के जो 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद 40 दिन हो जाएगा, फिर 2 महीने हो जाएंगे, फिर 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद पर्ल बैन के जैसे आपको पता है 6 महीने या साल भर में 1 ऑटोपुल मिलता था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जितनी जल्दी एंट्री लेते हैं, जितना जल्दी अपना रैंक को अपग्रेड करते हैं, उतना ही जल्दी ये जो आपको 1 मंथ के अंदर 1 या 2 ऑटोपुल मिलता है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये होता है का टर्म कंडीशन। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर 1 महीना में आपको 1 ऑटोपुल मिल रहा है तो ये आपका जो ओपल या किसी भी रैंक का अगर आपने अपग्रेड किया है तो ये सारा रैंक मिलने में, यानी कि 1,22,760 रुपये मिलने में आपको टोटल 10 से 11 महीने या हार्डली 12 महीने का टाइम लगता है। 12 महीने के अंदर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मुझे तो 5 से 6 महीने के अंदर मिल गया। दूसरी आईडी में जो जैसे अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, तीसरी आईडी का मुझे देखना बाकी है। तो कहने का मतलब है अगर मेरा जो ऑटोपुल 5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि आपका भी होगा, आपका 10 महीने में कंप्लीट होगा। जो लोग 10 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे या फिर 2023 में ज्वाइन करेंगे, हो सकता है उसका 1.5 साल में कंप्लीट हो। जो 2024 में ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है इसका 2 साल या 2.5 साल के अंदर के बाद इसका कंप्लीट हो। तो कहने का इन शॉर्ट में कहने का मतलब है जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा, क्राउड की संख्या बढ़ती चली जाएगी, आईडी बढ़ती चली जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर ऑटोपुल में आपका टाइम का डिले होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को अभी आप समझ गए होंगे। दोस्तों जैसा कि प्रीवियस में आपने देखा कि किसी भी रैंक का ऑटोपुल लेने के लिए आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करके आपको नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करना होता है, तभी आप जो नीचे के रैंक का जो आपका पहला रैंक है उसका आप विड्रॉ ले सकते हैं। इसी तरीके से सारा रैंक में काम करता है, सारा रैंक का आप धीरे धीरे अपना जो है नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करते चला जाएंगे और सारा रैंक का यहाँ पर आपका ऑटोपुल अचीव होता चला जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहां पर टीम नहीं बनाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोपुल से क्या से और कितना ज्यादा इनकम इस सिर्फ टॉलविन लैब से निकाल सकते हैं, ऑटोपुल सिस्टम से निकाल सकते हैं, वो हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यहां पर $30 से ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपका जो इनकम है ये 1,22,760 रुपये आना यहां पर तय है, वो भी आपको 10 से लेकर 12 महीने या फिर आपका 1 ईयर के अंदर, ठीक है, ये आपका इनकम आना तय है। ठीक है, ये तो इसके लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन दोस्तों ये हो गए आपका फर्स्ट रैंक का ऑटोपुल।
इसके अलावा मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर, मुझे यहाँ पर वर्किंग नहीं करना है, कोई टीम यहाँ पर नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑटो पुल से इनकम चाहिए और बड़ा इनकम चाहिए। उसके लिए मुझे बताइए कि क्या इन्वेस्ट करना होगा, कितना इन्वेस्ट करना होगा और मुझे यहाँ पर कितना ऑटो पुल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसी के बारे में आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग क्लियर हो गई तो आप यहाँ पर सिर्फ अपना ही आईडी लगाकर, अपना ही इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर इस सिस्टम से आप यहां पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कितना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पर टॉलविन लाइफ में ज्वाइनिंग करके सारा रैंक को अचीव करते हैं, मतलब कि ओपल से लेकर ब्लू सफायर तक का सारा रैंक अगर अचीव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितना इनकम आपको होने वाला है, ये यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर मान के चलते हैं कि ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपका रैंक ऑलरेडी जो है ओपल है, इसके बाद अगर आप सारा रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा ये आपका $1860 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, ये है डॉलर में। अब हम बात करते हैं इसका रुपया में कितना होता है। रुपया में करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर 1860 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 80 रुपया से, क्योंकि एक डॉलर का प्राइस जो है 80 रुपया होता है। तो 80 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो अमाउंट हमारे पास आता है, ये अमाउंट आता है 1,48,800 रुपये, ये INR में आता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका इतना होगा तो आपका सारा रैंक जो है सो अचीव हो जाएगा। सारा रैंक अचीव हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि सारा रैंक अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर अपने आईडी से 10 डायरेक्ट लगाना होगा, यानी कि 10 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करना होगा। लेकिन 10 लोगों को मैंने पहले बताया था कि आपके पास टीम नहीं है तो 10 लोग कहाँ से लाएंगे। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि अपनी ही आईडी जो है अपने मेल आईडी से, सेम मेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर से मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं, मतलब अपना ही 10 आईडी लगा सकते हैं। जब आप 10 आईडी लगा देंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे सारा रैंक को अचीव करने के लिए, ये जो आपको रैंक मिला है ये सारा रैंक अचीव कर पाएंगे। अगर आप 10 डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आप जो है सो सारा रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये आपको टर्म कंडीशन पूरा करना होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ जो आपका 10 डायरेक्ट लग रहा है ये आपका ही आईडी है, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 10 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे $30 से, क्योंकि एक आईडी के एक्टिवेशन में $30 लगता है, तो टोटल आपका यहाँ पर होता है $300। ठीक है, तो $300 मतलब कि अगर इसको INR में करेंगे तो 24,000 रुपये होते हैं। ठीक है, मतलब कि सारा रैंक को अचीव करने में जहाँ 1,48,800 रुपये लग रहे थे, उसके बाद ये भी $300 भी ऐड हो गया, मतलब 24,000 भी ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 24,000 आपका पूरा ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो आपने 10 डायरेक्ट किया अपने ही लिंक से तो आपको जो है सो एक डायरेक्ट करने का $15 आपको मिलता है, प्लस $1 जो मिलता है ये आपको जो है सो लेबल इनकम मिलता है, मतलब कि एक ज्वाइनिंग से आपको $16 मिलता है। ठीक है, तो आपने 10 डायरेक्ट किया था तो 16 × 10 यानी कि $160 आपका रिटर्न हो गया, $160 रिटर्न हो गया, मतलब कि आपका यहाँ पर 12,800 रुपये रिटर्न हो गया। तो इस हिसाब से देखेंगे, अगर आप ये कैलकुलेट कर देंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ये रिटर्न होने के बाद आपका, ये होता है आपका 1,60,000 रुपये आपका टोटल होता है। 1,60,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है सो टॉलविन लाइफ का सारा रैंक आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें भी से आपका एक माइनस हो सकता है। माइनस क्या हो सकता है, ये आपको ऑफर हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक ही बार अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके अपलाइन के द्वारा 10% तक का भी ऑफर मिल जाता है। तो एक बार अगर आप करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा, वो आपको 10% के आसपास तक ऑफर कर देगा, यानी कि कैशबैक कर देगा। तो अगर इसको 10% ऑफर को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका जो टोटल होता है ये 1,44,000 के आसपास आपका यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि आपका जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हुआ, आपको जो पॉकेट से पैसा लगा वो आपको लगा 1,44,000 रुपया। तो आप यहाँ पर टॉलविन लाइफ का सारा रैंक को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 1,44,000, इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको टॉलविन लाइफ से कितना मिलता है ये भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर हम 1,44,000 पे लगा रहे हैं तो मुझे रिटर्न कितना आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपने प्लान का PDF देखा होगा, प्लान का PDF में चार्ट देखा होगा, आपने सारा रैंक का अगर ऑटो पुल कैलकुलेशन किया होगा तो आप यहां पर देखेंगे कि सारा मिलाकर जो ऑटो पुल मिलता है ये आपको $1,92,000 का यहां पर आपका ऑटो पुल मिलता है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर सारा ऑटो पुल का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो आपको इनकम होता है ओपल से लेकर ब्लू सफायर तक का इनकम का, ये आपको इनकम होता है $1,92,000 का। अगर इसी इनकम को अगर रुपया में कहेंगे तो उसका होता है 1.54 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम सिर्फ रुपया में होता है ऑटो पुल से। दोस्तों ये तो आपका टोटल इनकम हो गया, इसके साथ साथ कुछ और ही इनकम ऐड होगा। क्या इनकम ऐड होगा वो मैं बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता हो कि आपने 10 डायरेक्ट किया था, ठीक है, 10 डायरेक्ट किया था यानी कि 10 आईडी जो है आपका ओपल में है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक आईडी से जो आपको इनकम मिलता है ये 1,22,760 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ये एक आईडी से आपको मिलता है होटल से। तो आपका खुद का आईडी जो लगा था ये 10 आईडी ओपन लगा था, इसको 10 से कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है आपका 12 लाख जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका टोटल जो हो जाएगा 1,66,00,000 रुपये, ये आपका टोटल इनकम हो जाता है। ये है ऑटो पुल की ताकत,
यानी कि आपने एक तरफ लगाया, चले कि आपने जो इन्वेस्ट किया था वो कितना इन्वेस्टमेंट किया था, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलेंगे तो 1,44,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था। आपका 1,44,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसमें ऑफर भी इंक्लूड किए हुए, नहीं तो 1.5 लाख के आसपास को मान के चल सकते हैं। टोटल इनकम की बात करता हूँ तो 1.66 करोड़ रुपया जो है सो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑटोपुल में मिलता है। ठीक है, तो ये होता है टॉलविन लैग की ताकत, ये होता है ऑटोपुल की ताकत। लेकिन दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा जो मैंने वीडियो को फर्स्ट में दिया था कि ये सारा इनकम लेने के लिए आप जो है सो किसी से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। चाहे तो आपका टॉलविन लैग हो या फिर टॉलविन लैग के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा प्लान हो जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता हो, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने पर इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता हो, तो आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में लोन लेकर किसी से उधार लेकर पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। या फिर आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि इन्वेस्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट कितनी भी अच्छी, कितना भी अच्छा काम क्यों ना रहा हो, कितना अच्छा ट्रस्टेड हो, कितना ज़्यादा इनकम क्यों ना दे रहा हो, लेकिन सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको बिल्कुल सेफ साइड में होकर चलना चाहिए। अगर आप सेफ साइड में होकर चलेंगे, सेफ तरीके से काम करेंगे, तभी आप किसी प्लान में सक्सेस हो सकते हैं और टेंशन फ्री होकर आप यहाँ काम कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे किसी ट्रेड मार्केट में अच्छा इनकम कमाया, अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जो है सो 1,44,000 का अमाउंट भी लगा सकते हैं। ये टोटल जो है सो चॉइस और टोटल आपका जो आपका अपना होगा, आपका अपना डिसीजन होगा, तो आप अपने रिसर्च करके यहाँ पर पैसा लगाइए। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा ये आपका होगा, जो भी अगर लॉस किसी रीजन से होता है तो भी आपका होगा। मेरा सिर्फ वीडियो में पर्पस ये था कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान अगर चल रहा है तो वो है टॉलविन लैब। क्योंकि इस प्लान का कॉपी प्लान, बहुत सारे कॉपी प्लान हर दिन आते हैं, हर वीक में एक एक कॉपी प्लान आ ही जाता है। लेकिन अगर इस प्लान का देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, इंडिया ही नहीं, इंडिया के अगल बगल कंट्री के अलावा लगभग 12 से 15 कंट्री में ये धूम मचा रहा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो दोनों तरीके का इनकम है, दोनों तरीके में जो भी इनकम लेना चाहते हैं ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप वर्क करेंगे, टीम बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, और टीम बनाने के साथ साथ अगर आप लेवल को अपग्रेड करेंगे तो भी आपको इनकम करेंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और आपका थोड़ा बहुत टीम भी होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिल जाएगा। डबल बेनिफिट आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम आपको मिल जाएगा और आपको ये लाइफ टाइम हमेशा का हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी कॉन्सेप्ट में पैसा कमाने के लिए, आपको इनकम करने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। पहला ऑप्शन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको टीम आपको क्रिएट करना ही होगा। चाहे आपको टीम 10 का हो, 10,000 का हो या 1 लाख से ज़्यादा का हो, जितना बड़ा टीम रहेगा उतना बड़ा इनकम होगा। टीम बनाने में एक बार मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपका टीम बन गया तो वो आपको लाइफ टाइम इनकम देगा और इतना ज़्यादा इनकम देगा जितना आप किसी भी बिजनेस से, किसी भी जॉब से पैसा नहीं निकाल सकते। तो आपको टीम बनाना होगा। टीम चाहे आप ऑनलाइन बनाइए या ऑफलाइन बनाइए, जो भी आपको सूटेबल लगता हो उसी के अकॉर्डिंग आप टीम बनाइए। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन टीम बनाते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लिंक करते हैं, अलग अलग टाइप से यहाँ पर मेहनत करते हैं और ऑनलाइन टीम बनाते हैं। ऑफलाइन में जो है पुराना सिस्टम, जो किसी को अपने परिचित को जाकर प्लान पर इंस्टेंस दीजिए, ऑफलाइन जाकर मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, तो ये ऑफलाइन होता है। अगर आप टीम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, थोड़ा बहुत टीम बनाएंगे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा जो सिस्टम है वो आपको पता है कि आपका ऑटोपुल, ऑटोपुल में नॉन वर्किंग। तो ऑटोपुल में इनकम लेने के लिए, नॉन वर्किंग इनकम लेने के लिए आपको तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। चाहे आपका इन्वेस्टमेंट जो है $30 का हो, यानी कि 2,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट हो आपका 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, तभी आप जो है ऑटोपुल में पैसा निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, चूज आपको करना है कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ में आप कैपेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। बाकी टॉलविन लैब के रिगार्डिंग कोई और आपके मन में क्वारी हो, वीडियो का पूरा प्लान देखना चाहते हैं या फिर कोई और डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक और पूरा प्लान का डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहते हैं।